जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप भी आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट लेके आए। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है, दीपावली पर मिल सकता है बढ़ावा मानदेय, क्योंकि बहनों को लंबे समय से यहाँ पर इंतजार है कि बढ़ावा मानदेय वो कब से हमारे अकाउंट में आना शुरू होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में नियमितीकरण व मानदेय पर यहाँ पर बड़ा फैसला आ चुका है सभी राज्यों की बहनों के लिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में हम लेके आए हैं। मानदेय की यहाँ पर बात करें तो मानदेय आपका 18,000 व सहायिकाओं का 9,000 रुपये मानदेय इस बार आपका होने वाला है। क्या दीपावली पर इस बार बड़ा तोहफा बहनों को मिल सकता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बहनों वीडियो के अंत तक जरूर बने दीजिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहनों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट हम आपको देते रहते, साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों देखते हैं सारी जानकारी। तो बहनों सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में यहाँ पर बातें कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट टाइम बात करेंगे मानदेय के बारे में। तो सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण जो मुख्य खबरें हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ निजीकरण व आउटसोर्सिंग का विरोध, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पूरी न्यूज यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें मांग हुई है कि निजीकरण ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग को तत्काल बंद किया जाए। सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम कर्मी को मजदूर माना जाए व न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाकर उतना ही उनको वेतन है वो यहां पर दिया जाना चाहिए। पूरी बात करें तो भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसमें मांग हुई है कि निजीकरण ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग को तत्काल बंद किया जाए, साथ में सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम कर्मी को मजदूर माना जाए व उन्हें न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाकर उनको भी उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए जितना एक सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर वेतन मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें पूरी तो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जनपद में डाक कर्मचारियों का प्रमोशन पर लगी रोक को हटाया जाए। सभी योजना कर्मी चाहे वह आशा हो या फिर आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील कार्यकर्ता हो, सभी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी समय पर यहां पर किया जाना चाहिए। साथ में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र में जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। हम सभी को भी पीएम और एईएसआई की सुविधा मिले ताकि भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है वो यहाँ पर बन सके। पदाधिकारियों ने कहा है कि किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने, निःशुल्क बिजली आपूर्ति करने व किसान हित के लिए किसान आयोग का गठन करने पर की यहाँ पर मांग है वो की गई है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से कई बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण कराया गया ताकि सभी सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वालों को कम से कम न्यूनतम वेतन का लाभ मिल सके। अगर यहाँ पर पूरी बात की करें तो समस्याओं को निपटाने काउंटर सजाकर बैठ रहे कर्मचारी नहीं पहुंचे शिकायतकर्ता, पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो टीकमगढ़ नगर भवन में वार्ड 4 और 5 की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शहर सरकार आपके द्वार का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नपा के सभी विभागों के काउंटरों को लगाया गया था, लेकिन शिविर में कम ही लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जहां 24 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक शहर के सरकार द्वारा आपका द्वार शिविर है वो नगर भवन में लगाया गया। शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा के साथ ही नपा के लोक निर्माण, कर, टैक्स विभाग, पीएम आवास के साथ अन्य विभागों के काउंटर लगाए गए। पीएम आवास काउंटर पर ही कुछ हितग्राही दिखाई दिए, बाकी सभी काउंटर खाली पड़े हुए थे। एकाधिकग्राही नगर भवन के बाहर बैठे हुए थे। 2 वार्डों के लिए प्रतिदिन लगाया जाएगा शिविर। नगर भवन में आयोजित शहर सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ 2 दिन पूर्व किया गया था। प्रतिदिन 2 वार्डों की समस्याओं का यहाँ पर निराकरण करने के लिए लगाया जा रहा है। शुक्रवार को वार्ड 4 और 5 के लिए लगाया जा रहा था। साथ में शिविर में नाली सफाई, मकान टैक्स,
नल बिल राशन कार्ड की कुछ हितग्राहियों ने ही शिकायतें दर्ज कराई है। यहाँ बात करें डिजिटल इंडिया पर दिया गया जोर, शिविर में आए शिकायतकर्ताओं को डिजिटल इंडिया की जानकारी दी। इसके साथ ही शिविर में नपाक के कर्मचारियों ने कहा कि मकान टैक्स नल बिल के साथ अन्य टैक्स ऑनलाइन भरने की बात कही है। 26 शिकायतों में से 6 शिकायतों का यहाँ पर निराकरण हुआ है। शिविर में दोनों वार्डों में 26 शिकायतें सड़क निर्माण, नाली सफाई, बिजली व्यवस्था की शिकायतें की गई, उनमें से मौके पर 6 शिकायतों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही शनिवार को हवेली रोड पर 6 वार्डों की यहाँ पर शिकायतों के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही शनिवार को यहाँ पर हवेली रोड पर 9 और 6 वार्ड की शिकायतों के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। इनका कहना है कि सरकार आपके द्वार शिविर में शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गई, कुछ शिकायतों का मौके पर निराकरण भी किया गया है। आरके अग्रवाल शिविर प्रभारी नगर पालिका टीकमगढ़, अगर यहाँ पर पूरी बात करें तो नगर भवन में वार्ड 4 और 5 की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शहर सरकार आपके द्वार का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नपा गई सभी विभागों के काउंटरों को लगाया गया था, लेकिन शिविर में कम ही लोग यहाँ पर शिकायत लेकर पहुँचे थे। जहाँ 26 शिकायतों में से 6 शिकायतों को मौके पर यहाँ पर निराकरण है वो किया गया था। तो दोस्तों बहनों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है, क्योंकि उनका मानदेय है, बड़ी दिनों से ये बात चल रही है कि उनका मानदेय वो लगातार यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, साथ में सरकारी कर्मचारी भी उनको घोषित करना चाहिए। जितने भी आपके कर्मचारी संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी यहाँ पर घोषित है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहनें लगातार हड़ताल पे है और बहुत दिनों से यह उनकी मांगे हैं कि हमें भी जितने दिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता उतने दिन हमें भी 18,000 रुपये मंथली सैलरी है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो सरकार जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन सरकार बनने के बाद में यहाँ पर बड़े फैसले वो रोक लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहनों के लिए बड़ी खबर मैं बता देता हूँ कि अब उनकी सरकार है वो मांगे सारी मानने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर बड़ा निर्णय आ चुका है कि सरकार जब चुनाव आते हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी वादे पार्टियाँ करके अपनी सरकार तो बना लेती है, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर उन वादों पर वो मुकर जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बात की है कि या तो वो अपनी सरकार चलाए या फिर जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे सारे पूरे किए जाए। तो यहाँ पर बहनों की जो मानदेय उस पर यहाँ पर मोड़ लग सकती है। साथ में बड़ी खबर मैं बता देता हूँ, सरकारी कर्मचारियों के साथ में बहनों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो यहाँ पर 62 वर्ष तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहनों की मांगे हैं कि 65 वर्ष तक करनी चाहिए। साथ में सरकारी कर्मचारी के साथ में जितना मानदेय सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर दिया जाता है वो सारी सुविधाएँ व मानदेय यहाँ पर मिलना चाहिए। साथ में जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनको यहाँ पर सरकारी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल है वो घोषित किए जा रहे हैं। तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसमें कार्य कर रही है उन सभी को प्री टीचर, प्राइमरी टीचर का भी दर्जा मिलना चाहिए, और जितनी सुविधाएं प्राइमरी टीचर के टीचर को यहाँ पर दी जाती है उतनी सारी सुविधाएं वो भी बहनों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो बहनों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बहनों की जो मांगे रखी गई थी वो क्या क्या मांगे हैं जो सरकार मानने वाली है। तो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की 18,000 रुपये वेतन देने की मांग है। सबसे बड़ी मांग यही है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 18,000 रुपये व सहायिकाओं को 9,000 रुपये मंथली मिलना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पूरी न्यूज आपको बता देता हूँ। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम IDM को ज्ञापन सौंपा था। जिला मंत्री है जो सुशीला शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की यहाँ पर मांग की गई। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करने तक 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में कार्यकर्ता का मानदेय देने, साथ में आशा कर्मियों को एक ही विभाग में समायोजित करने व आशा सहयोगियों को केंद्र सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के बाद भी राशि व एरियर नहीं देने पर भी उन्होंने बात कही है। साथ में ग्राम साथी ने आशा सहयोगियों के बजट में 200 रुपये प्रति माह के स्थान पर सम्मानजनक जो बढ़ोतरी कराने, साथ में ग्राम साथियों को वर्दी के रूप में साड़ियाँ दिलाने सहित अन्य मांगों को ज्ञापन देकर ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री से समाधान करने की यहाँ पर है वो मांग की गई। तो बहनों की यही सारी मांगे हैं। साथ में हमारी सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने चाहिए। साथ
साथ में जितने भी सरकारी कर्मचारी को फायदे दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उतने सारे बेनिफिट्स हैं वो भी हमें भी मिलने चाहिए। तो ये बहनों की बड़ी मांगें यहाँ पर सरकार पर के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में बहनों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।